महिलाओं के दबंग द्वारा आबादी की जमीन लूटने के संबंध में उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, जनपद गाजीपुर अंतर्गत सदर कोतवाली एवं सदर तहसील से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सभा बिनबलिया के मोहम्मदपुर गांव में आराधी नंबर 45 आबादी दर्ज है, जबकि आबादी की जमीन तकसीमी गांव होने के बावजूद से पुराने मलिकान मुसलमानों के नाम से मौजूद है और इस खाली जमीन में बच्चे खेलते हैं और गांव के लोगों की शादी भी होती है, लेकिन आराधी नंबर 45 पर ब्रिजेश यादव और ज्योति यादव द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जबकि कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रधान प्रतिनिधि रमेश यादव, जिला परिषद सदस्य राजेश यादव, गोरख यादव, विंध्याचल यादव, रामाशीष यादव, फंसीउल हसन, जावेद अख्तर, बादशाह राही, मोहम्मद अली, सायरा बानू, इमाम असगर द्वारा 16 फरवरी को तहसील दिवस के अवसर पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी अब तक आबादी की भूमि को सरकार द्वारा खाली नहीं कराया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर से कई बार मोबाइल से प्रयास किए गए, घंटी बजी, लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी तहसील के मुखिया के मुखिया से कार्रवाई के संबंध में अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति के पास 20 बीघा की जमीन पहले से मौजूद है। लोगों का कहना है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा हमेशा झगड़ा का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लोग झगड़ा करने से बच रहे प्रशासन को तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करने की जरूरत है। गाजीपुर से खान में जावेद की विशेष रिपोर्ट। आप लोगों ने इंद्राज है, तो हमारे चाचा की चौहद्दी खिंची हुई थी सन 88 की, तो उसकी चौहद्दी जब गिर गई तो चाचा ने गांव के यादव ब्रजेश यादव, ज्योत यादव को टेम्परेरी गिट्टी बालू का काम करने के लिए मांग रहा था तो दे दिया, और अब वो जमीन पे कब्जा करना चाहता है। पहले तो बेटा राजी था खाली हो जाएगा, लेकिन बाप नंगे ही पुत्र आया है और वो मारपीट उसकाने की कार्रवाई रोज तरह तरह की बात करता है, जिससे बच्चे हमारे बज़न होते हैं, नाराज़ होते हैं, ऐसा ना हो कहीं मारपीट हो जाए, इसलिए हम लोग बहुत सतर्क हैं। और इसी संदर्भ में हमने 16 तारीख को SDM के यहाँ, जो जिस दिन DM साहब भी बैठे थे, तहसील दिवस के अंदर एक दरख्वास्त दी कि साहब ये पुरानी आबादी है, इसमें गांव के लोग बच्चे खेलते थे, गांव के लोग शादी ब्याह का काम होता था, विभिन्न तरीके से वो ज़मीन इस्तेमाल होती थी और ये कब्जा करके बैठा है करना चाहता है, और इस पर इसके पास स्वतः 20-22 बीघा ज़मीन है, एक तरह का भू माफिया टाइप का आदमी है। इसको मैंने चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी मेरे भतीजे भाई ने डाल रखा है, SDM के यहाँ भी दरख्वास्त दी गई है और CO साहब ने भी बुलाया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोतवाल साहब के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि साहब SDM साहब ने रोक रखा है, जब तक वो कोई आदेश नहीं देंगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो अपनी मनस्थिति के हिसाब से उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जिसके हम लोग प्रबल विरोध तो करते हैं, लेकिन हम लोग मारपीट नहीं कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं शासन के कानूनों और व्यवस्थाओं को कायम रखते हुए। धन्यवाद।